Good morning, guys. So this is the view from our hotel room, and it's called 160 feet dining. It's fly dining. Pratik, how are you feeling, yaar? मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है हाइट का डर निकालूंगा और जाऊंगा। 160 फीट मतलब कितना ऊंचा होगा? तो तुम्हारा हो गया 15 टाइम्स तुम्हारी हाइट 5 मतलब 15th फ्लोर मान लो 13th उससे ऊपर तो नहीं होगा। 160 फीट हो गया ना। इट्स गोना बी फन। और हम लोग ने बहुत अच्छी नींद करी है एंड अब अच्छा लग रहा है, रिफ्रेशिंग, feeling good, feeling like good, a better, shirt. Better. अभी क्या सीन है प्रदीप से? सीन ये कि let's hop something और चलते हैं pool. हाँ, तो आज हमने अपना ब्रेकफास्ट रूम में ही मंगवा लिया बिकॉज हम लोग गए नहीं। Let me show you. पूरी भाजी, this is donut. मैं चाय बनाऊंगी, donut खाऊंगी. Wow, best thing about vacation. And dosa है, fruits है. अभी brush करते हैं and juices as well. And then we'll hug. Guys, this is based on White Sand Beach. यहाँ कल रात को प्रतीक लेटा था जहाँ वो डैड से बात कर रहा था एंड दिस इज वेयर वी वर हैविंग आवर डिनर। ओह गॉड, ये सेम लोकेशन थी एंड दिस इज द बीच। लुक कितना क्लीन है, क्लीनेस्ट बीच एवर, बट बहुत धूप है। धूप बहुत है यार, कोई है ही नहीं यार। वही मैं कह रही हूँ, ये बिल्कुल श्रीलंका वाला बीच है। गाइस, हम लोग काफी देर इस बीच पे रहे एंड इट फील्स अमेजिंग। मतलब पूरा माइंड डिटॉक्सिफाई हो गया, मुझे तो लग रहा है। है ना, देखा मैंने तुम्हें कितना अच्छा बीच लेके आई। कहाँ भागी? थोड़ा और आगे चलो, थोड़ा और आगे। दोबारा जा रहे हो? कहाँ से डुबाऊंगा मोटी, तुमसे पहले मैं ही डूब जाऊंगा। सो गाइस, ऋषि जा चुकी है पूल में। से हाय टू योर फैंस उधर। हाय प्रतु, हाउ इज इट फीलिंग इन द पूल? मैं मेरा स्टैमिना इतना हो गया, हाँ, वीक हो गया है। बट इट्स गुड टू बी लाइक स्विमिंग फॉर सो लॉन्ग। सो अमेजिंग यार, फन, सो फन, सो अमेजिंग। अंडर वाटर डाइव मार के दिखाओ। नहीं, वो नहीं ट्राई भी। कोई अच्छा सा स्विमिंग वाला वो दिखाओ। बचपन हम लोग को पीटी से सिखाते थे सीएमएस में, ये पकड़ के एंड दिस। गाइस, वी आर सो लेट। हमें कॉल आया है जहाँ पे फ्लाइंग हमने बुक करा था कि अगर आप 6 o'clock तक नहीं पहुंचे तो आपको ना रिफंड होगा। सो या वी आर वेरी लेट। पता नहीं हम लोग डेडलाइंस पे वॉक कर रहे हैं क्या, पता नहीं। पूल में ज्यादा मजा ले लिया लोगों लग रहा है। मैं तो भी तब से कह रही थी कि प्रतीक चलो चलो चलो, वील रीच आई थिंक। इतना इतना बीटी नहीं होने वाली है। गाइस, कैन यू सी दिस पेंडेंट? ये मैंने कभी भी स्टाइल नहीं किया है। तुम्हें किसने गिफ्ट किया है? ये गिफ्ट नहीं किया, मुझे मिला था कोलैबोरेशन में। अच्छा, ओके। This is so pretty. अरे भैया, क्या भी है ये? क्या वो और के रास्ता भी है क्या? जा रहा है। ट्रेन जा रही है। लेट छोड़ो, रिफंड भी नहीं होगा। हाँ, रिफंड भी नहीं होगा यार। एंड यू नो व्हाट, रिजर्वेशन कॉस्टेड अस 10,088 रुपीस। सो आई डोंट नो, और रिस्केड्यूल भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। लास्ट लौटे गए हम लोग, सन डबल दिखेगा, सनसेट होने वाला है। गाइस, डू यू रिमेंबर आवर बोट? ये ग्रैंड हयात है, दिस इज ग्रैंड हयात। गाइस, दिस इज इट। कोई बेस ही नहीं नीचे। हाइट होने वाली बहुत जल्दी, ऊपर आएंगे हम लोग। ऑल सेट टू रीच हाइट्स। ऊपर जा रहा है गाइस। ओके,
हम भी ओ शिट प्रतीक डोंट लुक डाउन डोंट लुक डाउन यू डोंट लुक डाउन दिस इज गाइस देखो हम ऊपर जा रहे हैं चल सकते हो तुम इधर उधर भी हो सकते हो पीछे भी जाऊंगा सचिन इतना कूल एक्ट कर रहे हो यार अब ऊपर आके अंदर से जो लग रहा है मैं पाने बाहर से जो कर रहा हूँ मैं वो करने दो मुझे क्योंकि अंदर से मुझे अच्छा फील करना है आराम से ना कुछ मुझे फोन कोई नुकसान नहीं चाहिए नहीं फोन का नुकसान नहीं होगा इतने नीचे आई मीन हम लोग इतने ऊपर है दिस इज लाइक मैं बंजी जंपिंग बोल रही थी बट दिस इज बेटर देन बंजी जंपिंग देखो गाइस मम्मी से वीडियो कॉल कर रहे हैं हेलो कर दो हेलो आफ्टर रिसेप्शन पार्टी डिनर होता है ना वो पूरी दोनों फैमिलीज बैठती हैं ग्रूम की फैमिली बैठ की फैमिली ऐसे बैठे हैं सामने सामने ऐसे बैठे आपको आना चाहिए यू शुड कम विजिट दिस प्लेस इट्स अ ग्रैंड नयार फ्लाई डाइनिंग इट्स अमेजिंग इट्स वर्थ इट आप जितनी कमाई कर रहे हो बालों में कमाई सब लोग कर रहे हैं और थोड़ा बहुत स्पेंड करो यहाँ आओ अच्छा लगेगा यू गोना फील गुड इट्स टू गुड मुझे लगता है कि एक होते हैं ना कि टिक मार्क करना है ये टिक मार्क हो गया इट्स अमेजिंग इट्स अमेजिंग पूरा स्टन दिख रहा है दिस इज द वेज स्टफ वी हैव गॉट एंड दिस इज द जूस एंड दिस इज द नॉन वेज स्टफ सो मैंने एक वेज लिया इसने एक नॉन वेज लिया विद द ड्रिंक्स हाउ इज इट अमेजिंग खाने का मजा ही अलग है ना हाइट पे भी हम लोग बुकिंग उससे खाए हाँ यार ये लड़की ग्रेस विद फैशन इतनी पिक्चर क्लिक करा रही है मैं आपको पिक्चर पर डेटा भेज दूंगा कम से कम 200 पिक्चर क्लिक हो चुकी है अभी तक और शी इज नॉट स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद द पिक्चर सो गाइज दिस इज स्काई डाइनिंग एंड ये इंडिया में सिर्फ तीन लोकेशंस पे है बैंगलोर नोएडा एंड दिस इज द थर्ड गोवा गोवा का बेस्ट है बिकॉज ऑफ इट्स व्यू एंड एवरीथिंग ऑल्सो ये क्रेन के थ्रू उठाया जाता है तो ये पूरा जो भी डाइनिंग है वो 360 डिग्री पे रोटेट होता है तो सब कुछ सब कोई सनसेट इंजॉय कर सकता है हम लोग नीचे आ गए रात में भी अच्छा लग रहा है हाँ ये ऐसा दिखने में गाइस सो प्रिटी गाइस गेस व्हाट हम लोग जमीन पे आए और ये गिर गई तो तुम आसमान में ठीक थी गिरी नहीं गाइस पैर थोड़ा सा पैर मुड़ गया मेरी बहन बच गई मुझे लगा कि फिर इसका जो है मुंबई वाला सीन हाँ, मुंबई में ही हुआ था ये पर नहीं मैं सही था लाइक फाइन चन्ना प्लीज यार ये सब डराओ नहीं यार मेरे को यार अरे अभी ट्रिप बची हुई है यार वो भी खत्म हो जाएगी अच्छा मेरा मतलब तो मैं उठा लूं मैं बिल्कुल तो वो कैमरा कौन पकड़ेगा मैं हाँ चलो पकड़ो आर यू सी व्हाट इज इट इनसाइड क्या है वहां अंदर वहां चलना है क्या हेलो ये नहीं नहीं हम लोग जो आए थे लास्ट टाइम नहीं था ऐसा उस टाइम पे शायद इतना नहीं होगा सो गाइस नाउ यू कैन सी द वैरायटी ऑफ पान ये बाउंटी पान ये किटकैट पान फिर एक ड्राई फ्रूट पान है और भैया ने बोला एक फरेरो रोशर पान बहुत अच्छा होता है दिस इज मार्स पान अच्छा मार्स की चॉकलेट आती वाला पान है बाउंटी वाला भी है अभी यहाँ पे बनारसी मीठा बनारसी सादा कपूर मीठा सब ये ग्रैंड है आज में ये प्रॉपर ऑप्शन दिए पान देन बस यहाँ पटाखा बज जाए ना तो ठीक हो जाएगा सब कुछ पैर का पटाखा बज जाए बस ऐसे थोड़ी ठीक होगा पटाखे बजने से ठीक हो जाए कोई पटाखा बजा दे बस वो नस दब गई ऐसे करके कोई खींच दे पैर की टो प्रतीक तुम मेरी पैर की टो खींचो खींचो ना प्लीज मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ अरे तुम करो मैं बता रही हूँ मुझे फील हो रहा है गाइस इसका जो लॉजिक होते हैं ना मैं बता रहा हूँ आफ्टर गोवा इसके लॉजिक और भाई आते हैं
पता नहीं मैं कैसे मैं क्या बोल रहा हूँ उसको, बट मैं तो बोल नहीं रहा हूँ, इसके लॉजिक इतने बेवकूफ है। कुछ और हो जाएगा ना तो फिर मैं हम समझो बात को, तो तुम्हें चलना है घर वापस। अरे मैं तुम्हारे लेके आया हूँ ना आइस, अपने आइसिंग करो, अपना वो क्या नाम है वॉलिन लगाओ और एक बैंडेज बांधो, उससे अच्छा ऑप्शन कोई और है नहीं। सो गाइस लास्ट नाइट आई केम होम एंड मतलब केम टू द होटल एंड स्लेप्ट, मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा था, अभी भी दर्द तो है बट देन बेटर है, बट चलने में अभी भी दिक्कत हो रही है, और मुझे ब्लॉग भी एडिट करना है, यहाँ का इंटरनेट भी इतना बढ़िया नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या करूँगी मैं। एनीवेज आई एम एडिटिंग द व्लॉग, होपफुली लाइव जा पाएगा ये, और जोक जोक ऑफ द डे अभी हम लोग सुनाएंगे। प्रतीक बाहर ब्रेकफास्ट कर रहा है तो जोक मैं पढ़ दूंगी। तो द जोक इज, एक लड़की ने डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने पूछा लड़की को, बेटी तुम्हारा वेट क्या है? लड़की ने बोला सर मेरा वेट 65 चश्मे के साथ, और डॉक्टर बोलते चश्मे के बिना बताओ, तो लड़की बताती है कि चश्मे के बिना तो मेरे को दिखता ही नहीं है। बाप रे प्रतीक, मैं भी वही लड़की हूँ, चश्मे के साथ मुझे वेट दिखता है, चश्मे के बिना दिखता ही नहीं है। हाँ पहन लूंगी, बन जाऊंगी। सो ये जोक करा है भाव्यश्री ने, एंड अभी हम लोग यही एंड करते हैं, टुडे वी आर लीविंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अच्छे अच्छे जोक्स कमेंट करना, एंड अब वापस जाने का टाइम आ गया है, कुछ इंटरेस्टिंग आएगा अभी और भी, सो स्टे ट्यून्ड, बाय पीपल।